हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार में एक नई भर्ती को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रखा गया है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पे मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और 23/2/2024 को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों फॉर द पोस्ट ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के रूप में ये जो है दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में आप लोग विशेष जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देने वाला हूं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह ब्लॉक लेवल पे किया गया है। और यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है दोस्तों, इसमें टोटल कितना पद है और कितनी योग्यता चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कितनी योग्यता होनी चाहिए और कितना वेतनमान आपको दिया जाएगा और किस प्रकार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फॉर्म है यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1 मार्च से भरा जाएगा और ये फॉर्म 21 मार्च तक लास्ट भरने की तारीख है। और ये फॉर्म भरने का तरीका दोस्तों आप लोग को बीपीएससी www.bpsc.bih.nic.in पे प्रदर्शित किया गया है, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे या फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में और भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे जो टोटल पद आया हुआ है मात्र 318 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, लेकिन इसमें क्या बात है दोस्तों कि 110 स्पेशल महिलाओं के लिए है। 35% यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 110% दोस्तों महिलाओं के लिए यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 35% शैक्षिक आरक्षण के रूप में फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 110 है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद आए हुए हैं, सब आपको शो कर रहा है और सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देने वाला हूँ, साफ साफ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आप लोग के मन में यही विचार रहता है कि हाँ इस फॉर्म को भरेंगे तो हमें वेतन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं वेतनमान कितना लिखा हुआ है। वेतनमान दोस्तों 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको मिलेगा और यहाँ पे वेतन स्तर 4 की एक जॉब है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पे योग्यता की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय या संस्थान से उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूँ ग्रेजुएशन डिग्री इन हॉर्टिकल्चर साइंस यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर, साथ ही साथ दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर, अगर इससे आप पास हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो दोस्तों मैं उम्र की बात भी यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे उम्र आप लोग देख सकते हैं उम्र की सीमा 21 वर्ष से रखी गई है। अगर आपका उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा है और 37 वर्ष से कम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपकी उम्र यहाँ से 21 वर्ष से ज़्यादा है और दोस्तों 37 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कैटेगरीज वाइज इसमें उम्र भी छूट दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बता देने वाला हूँ अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष की उम्र दिया गया है, साथ ही साथ पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष की दिया गया है। यहाँ पे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और बहुत सारे इसमें नोटिफिकेशन के रूप में दिए गए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पे फॉर्म शुल्क को लेकर आप लोग सोच रहे होंगे कितना रुपया फॉर्म शुल्क देना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ दोस्तों, सामान्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 750 रुपये लेंगे, साथ ही साथ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 200 रुपये लेंगे, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए यानी जो महिलाएं हैं उन्हें 200 रुपया लगेगा, लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 40% या उससे अधिक के लिए मैं आप 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर 200 रुपया फॉर्म आवेदन के रूप में देना होगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लेंगे, लेकिन एक बात अपने ध्यान में समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन भी बताए गए हैं, कुछ सूचना आवश्यक नोट के रूप में बताए गए हैं जिसे आपको समझना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त परीक्षा शुल्क के लिए अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रम में बैंक द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में
ले लिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप इस पेमेंट को करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि 200 का ही पेमेंट कटेगा या 750 का ही पेमेंट कटेगा, इससे भी अधिक कटेगा। जो बैंक जितना मर्जी उतना चार्ज, कन्वीनियंस चार्ज जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है और आप इसे ले सकता है। साथ ही साथ दूसरी चार्ज मैं आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड को इसमें आधार कार्ड का नंबर देते हैं तो आपको 200 रुपये कम लगेंगे। लेकिन कहने का मतलब 750 में से 200 रुपये कम नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। लेकिन वहीं पे अपने आधार कार्ड का नंबर आप नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपया एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। आपका जितना भी चार्ज लगे, शुल्क लगे, लेकिन उससे आधार कार्ड नंबर आप नहीं देंगे तो आपको यहाँ पे 200 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। मैं आपको बता देने वाला हूँ कि कहाँ से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल से आना है, bpsc.bih.nic.in पे आना है, यानी BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। और वहाँ पे आने के बाद इसकी सिलेबस में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्या क्या होने वाला है, कैसे इसकी प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 23/2/2024 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आप इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पे नोटिस किया जाएगा आप अपने फॉर्म को किस प्रकार अप्लाई करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए कि मैं कब तक इसे अपलोड कर रहा हूँ, कि हाँ फॉर्म को किस तरह आवेदन करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।